हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CDT एंड TTS प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ जो आपके बिहार शिक्षक बहाली से ही संबंधित है। अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं अपने गांव आई हुई हूँ। पीछे का व्यू देख के भी आपको पता चल रहा होगा, सड़क के किनारे गाड़ी वगैरह भी जाती है तो कभी कभी आवाज़ में थोड़ा सा परेशानी होगा, कम सुनाई देगा क्योंकि गाड़ी आ जाती है। सबसे पहले अगर अप्लाई करने की बात होती है तो आप पूरे बिहार में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं, पूरे बिहार में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे बहुत सारा नुकसान भी है, उस नुकसान को मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए। उसके बाद एक घंटे का बटन आएगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो उसमें अप्लाई करने से सारे ज़िले में जितने भी ब्लॉक होते हैं ब्लॉक वाइज अप्लाई होता है, बस ज़िला में ही नहीं होता है। तो जिस ब्लॉक में आपका घर है या आपके घर के आसपास है तो उस ब्लॉक में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि वहाँ पे सीट है या नहीं, रिस्क नहीं लीजिएगा। और उससे एक नुकसान होता है, होता क्या है कि आप जितने जगह भी अप्लाई कर देंगे सारे जगह से आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, सारे जगह से नियोजन पत्र आ जाता है, लेटर आ जाता है। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे स्कूलों में लोग किसी एक ही स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो सीट खाली रह जाता है। और इसीलिए केंद्रीयकृत तरीके से बहाली की मांग की जा रही है, आप लोग बार बार देख रहे हैं। तो आप लोग को चाहे जहाँ जहाँ मन हो सब जगह अप्लाई करिए, खासकर जो थोड़ा शहर से दूर गांव वगैरह में सीट ज़्यादा खाली रहती है तो वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें। और अगर आपका मार्क्स कम है और जैसे पहले नियोजन होता था वैसे अगर नियोजन होगा तो आप पंचायत में अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि पंचायत में होने का उम्मीद रहता है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं होती है, ब्लॉक में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और आगे अगर कोई और परेशानी आपको है, किसी और चीज़ का के बारे में पता नहीं है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।